परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी जॉन केल्विन। जन्म 10 जुलाई 1509, मृत्यु 17 मई 1564, शहर नोयन, देश फ्रांस, दर्शन जिनेवा। जॉन केल्विन उन प्रमुख लोगों में से एक है जो 16वीं सदी में चर्च के एक महान सुधारक का कारण थे। वे एक महान आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने चर्च ऑफ रिफॉर्मेशन की स्थापना की थी। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का विरोध किया और उस क्रांति को कुचलने की भरपूर कोशिश की। इस दौरान जॉन केल्विन ने अपनी नई सोच से लोगों को मसीह की ओर मोड़ दिया। उन्होंने 1352 में पेरिस में अपनी कानून की डिग्री हासिल की, जहां वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो चर्च के सुधार के लिए प्रार्थना और प्रयास कर रहे थे। वे एक कुशल लेखक, एक धारा प्रवाह फ्रांसीसी वक्ता और एक उत्सुक बाइबल विद्वान थे। उन्होंने बाइबल पढ़ी और कैथोलिक चर्च में प्रचलित गलत विचारधाराओं के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से चर्च में पोप के अधिकार की निंदा की, इसलिए उन्हें सताया गया और चर्च से भी निकाल दिया गया। उन्हें अपने शहर से भागना पड़ा और कुछ समय के लिए वेश में रहना पड़ा। फिर भी उन्होंने सुधार की लौ की रक्षा करने और इसे और अधिक चमकाने के लिए खुद को परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वे जिनेवा गए और वास्तविक बाइबल सिद्धांत के आधार पर अपनी सेवा शुरू की। अगले 30 वर्षों के लिए उन्होंने चर्चों की स्थापना की और पूरे यूरोप में मौजूदा चर्चों को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने सभी के लिए खुद की एक बाइबल खरीदना संभव बना दिया और इस तरह लोगों को अपनी अंधविश्वासों से छुटकारा पाने में मदद मिली। उन्होंने बाइबल की सच्चाइयों को दृढ़ता से सिखाया और प्रतिकूलताओं में भी धैर्य बनाए रखा। उनका उपदेश देने का अनोखा और व्यापक विषय परमेश्वर की संप्रभुता था। उन्होंने बाइबल के सिद्धांत पर कई किताबें लिखी। केल्विन ने हर दिन प्रचार किया और एक शारीरिक सीमाओं से परे काम किया। जब वे चल नहीं सकते थे तो उन्हें प्रचार करने के लिए चर्च में व्हीलचेयर पर ले जाया जाता था। बहुत से लोग उन्हें आराम करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उन लोगों से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के आने पर मैं निष्क्रिय दिखूं? धमकी और उत्पीड़न ने उन्हें मसीह का प्रचार करने से नहीं रोका। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।